नमस्कार दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं एक फुट वर्णमाला का ये सीरीज चल रहा है, तो इस वीडियो में हम ख और ग लिखना सीखेंगे। तो मार्किंग का आपको फंडा मालूम है कि ये 3.25 इंच रहेगा ऊपर से नीचे और बाएं से दाएं 2 इंच, बस इसी नाप को फॉलो करते हुए हम ख और ग लिखेंगे। तो ज़्यादा कुछ मेरे ख्याल से बताने की आवश्यकता है नहीं, क्योंकि ये जो लकीर है इस ये ना 2 इंच का रहेगा और ना ही 3.25 इंच का, ये बीच का रहेगा, 2 इंच से ज़्यादा और 3.25 इंच से कम, क्योंकि ये ना ऊपर से नीचे है ना बाएं से दाएं है, ये बीच का है, इसलिए इसको थोड़ा सा कम रखेंगे। और ये वाला पोर्शन को आप क्योंकि ख लिख रहे हैं, इसलिए इसको ये जो हमने रा का मार्किंग किया उसे सटा कर करना है। मेजरमेंट तो वही है 2 इंच और 3.25 इंच, ये 3.25 इंच। तो इसके अलावा मेरे ख्याल से और कुछ बताने की आवश्यकता नहीं है। एक बात और मैं बता देना चाहता हूँ कि ये जो मार्किंग करके आप लिखते हैं, तो पहले पूरे शब्द को मार्किंग ना करें, पहले एक अक्षर को मार्किंग कर लें और उसे इस तरह से रंग भर लें, उसके बाद दूसरे अक्षर को मार्किंग करें और इस तरह से रंग भर लें। इससे होगा क्या कि अगर मान लीजिए किसी कोई मार्किंग आपको दूर है या नज़दीक है, तो उसको आपका जो पूरा मार्किंग है वो बेकार हो जाएगा। मान लीजिए आप इसको इस तरह से रंग भर लेते हैं, उसके बाद कोई अक्षर है तो वो थोड़ा सा दूर है, तो उसको आप सामने आपको सामने लाना है वो वाला अक्षर को, तो फिर आपका मार्किंग तो बेकार हो गया ना। उसके बाद वाला जितने भी मार्किंग है उसको आपको सबको सामने लाना पड़ेगा थोड़ा थोड़ा, तो उससे क्या आपका मार्किंग बेकार हो जाएगा। लेकिन आप इस तरह से अगर रंग भर लेने के बाद मार्किंग करते हैं, तो आप एक अक्षर को मार्किंग करते हैं, तो आपको मालूम रहेगा कि ये कितना दूर में हमको मार्किंग करना है। अब मार्किंग और रंग भरने में थोड़ा सा अंतर हो जाता है। इसके अलावा इस वीडियो में बताने लायक ऐसा कुछ नहीं है। बाकी जो अगर कोई पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, तो उनको मैं सजेस्ट करूंगा कि इसके पहले वाले भाग को आप देख लें। उस वीडियो में मैंने क लिखा है, तो इस सीरीज का सबसे पहला वीडियो एक्चुअली में मैंने क से शुरू किया, उसके बाद बहुत सारा रिक्वेस्ट आया तो वर्णमाला का ये सीरीज मैंने चालू किया है। तो इसे अब कंप्लीट करना है, इसको कंप्लीट करने के बाद ही मैं दूसरा और वीडियो बनाऊंगा, तो ये सीरीज पूरा हो जाने के बाद ही वो सब होगा, क्योंकि ये थोड़ा एक एक दो दो अक्षर करके ही वीडियो बनाना पड़ रहा है मुझे, क्योंकि बहुत समय लगता है एक फुट का अक्षर लिखने में, और आप लोगों को बताना भी पड़ता है किस तरह से क्या करना है, मेजरमेंट लेकर लिखना पड़ता है। तो इस तरह से ग हम लिखेंगे, तो इसके लिए ऊपर से नीचे के लिए 3.25 इंच और बाएं से दाएं के लिए 2 इंच, 2 इंच का लकीर ऊपर मैंने किया हुआ है बाएं से दाएं। अब ये जो अक्षर है, जब ये ऊपर से नीचे यहाँ ऊपर से नीचे चल रहा है, फिर देखिए घूमते हुए ये पोर्शन बाएं से दाएं हो जाता है, तो यहाँ में हम 2 इंच लेंगे। इसके अलावा इस वीडियो में बताने लायक ऐसा कुछ है नहीं, तो वीडियो को अंत तक देखिए। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, धन्यवाद।